खुश होगा। मेरे रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, गर्मी का मौसम हो रहा है, ऐसे में कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाए तो मजा आ जाता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दो तरह के ड्रिंक्स, जो हेल्दी तो है ही, साथ में हमारे माइंड और बॉडी को भी एकदम फ्रेश कर देंगे। तो चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने एक नारियल ले लिया, जो बोले से एक कप जितना हुआ। अब इसको हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे, इसका जूस निकालेंगे। देखिए, हमने इसको ग्राइंड कर लिया, अब इसका दूध निकाल लेंगे हम। हम एक कटोरी में एक छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे, और इसमें जो मैंने नारियल का दूध निकाला उससे मिक्स कर लेंगे। देखिए, अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया। अब हम एक छोटी सी कढ़ाई लेंगे। अब इसमें हमने थोड़ा सा नारियल का दूध डाल दिया, इसमें एक बड़ा चम्मच चीनी डाल देंगे। और इसमें जो हमने कॉर्नफ्लोर घोल के रखा था, इसको धीरे धीरे डाल के हम इसे मिक्स करते जाएंगे। फ्रेंड, गैस को हम लो ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे, और धीरे धीरे इसे हम पकाएंगे। एक चुटकी जितना हम इलायची पाउडर डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। देखिए, इसी तरह की कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। अब इसमें हम डालें, हमने गैस को ऑफ कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा, या तो आप कलर डालिए, मेरे पास रोज़ सिरप है, मैं वो डाल रही हूँ। एक चम्मच रोज़ सिरप डाल देंगे। कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है, तो ज़्यादा रोज़ सिरप हम नहीं डालेंगे, इसमें थोड़ा सा हम रोज़ कलर डाल देंगे, जिससे हमारा इसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाए। फ्रेंड, इसे चलाते हुए थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे, फिर इसको फ्रिज में रख देंगे एक प्लेट में डाल करके। देखिए, इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम फ्रिज में रख देंगे इसको, चाहे तो 10 मिनट के लिए हम डीप फ्रीजर में भी रख सकते हैं। तो हेल्दी ऑप्शन के लिए मैंने ये धागे वाले मिश्री ले लिए, इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे, ग्राइंड कर लेते हैं। ठीक है, हमने ग्राइंड कर लिया। अब इसमें जो हमने नारियल का दूध बचा है, उसको इसमें डाल के हम मिक्स कर लेते हैं। इसे अब फ्रीजर में रख देंगे इसको डाल के। जब तक हमारा वो वाला ड्रिंक्स का ठंडा होता है, तब तक हम दूसरे ड्रिंक्स का तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने 2 चम्मच मिश्री डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा हम पान पत्ता डाल देंगे, हमने ये थोड़ा सा बादाम भिगो के रखे थे उसको इसमें डाल देंगे। फ्रेश नारियल है उसको इसमें डाल देते हैं। मेरे गमले का ही गुलाब का फूल है, देसी गुलाब का फूल, 4-5 पत्ते डाल देंगे। छोटी चम्मच सौंफ डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, ये ऑप्शनल है। थोड़ी सी पानी डाल के हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमने उसी कढ़ाई को साफ करके 1/2 लीटर दूध ले लिया, इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा बॉईल कर लेंगे। दूध हमारा बॉईल हो चुका है, हमने जो बादाम और उसका पान का मिक्सचर बना रखे थे उसको इसमें डाल देते हैं, और थोड़ा सा एक बॉल आने देंगे हम इसे। थोड़ा सा इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे। अब इसे धीरे धीरे हम एक बॉल आने तक इसको पका लेंगे। जबकि हम पान का ड्रिंक बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा हम ग्रीन कलर डालेंगे, जिससे इसका देखने में लुक बहुत अच्छा आएगा। इससे टेस्ट कुछ खास नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन देखने में अच्छा लगता है। अब इसे हम ठंडा करके चिल्ड कर लेंगे। तो थोड़ा सा बर्फ ले लिया, इसको क्रश कर लेंगे। फ्रेंड, हमारा ये ड्रिंक्स चिल्ड हो चुका है, तो अब हम इसका गार्निशिंग कर लेते हैं, ग्लास में डाल देते हैं। ये नारियल वाला भी हमारा चिल्ड हो चुका है। इसे जितना चिल्ड कर सकते हो उतना ही अच्छा लगेगा। हम थोड़ा सा पहले आइस डाल देते हैं, क्रश की हुई आइस डाल देंगे। फिर उसके बाद जो हमने हमने जो जेली बनाया था उसको इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम आइस डाल देंगे। हमारे ये बॉडी को और ब्रेन को तरोताज़ा करने वाला ड्रिंक्स रेडी है।
आप भी बहुत ही टेस्टी बनी है, आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, कैसे बने जरूर बताइएगा, और आगे मुझे कोई क्या रेसिपी बनानी वो भी ज़रूर बताइएगा। मेरी ये डिश अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले कोई नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।